क्या भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी ने आरआरआर के बारे में? क्यों है एक्साइटेड म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग एमएमएम किरावनी के इस नए कॉम्पोजिशन के लिए? क्या आलिया की दो बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं दुविधा में? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। आरआरआर से जुड़ी फिलहाल तो एक ही खबर सामने आ रही है और वो है फिल्म का पहला गाना। दोस्ती नाम का ये गाना पांच गायकों द्वारा गाया गया है और ये पांच भाषाओं में रिलीज होगा। एमएम किरावनी ने गीत की रचना की है और गायकों की सूची में अमित त्रिवेदी, विनीत दास, अनिरुद्ध रविचंद्र, हेमा चंद्रा और यासीन नदीम शामिल हैं जिन्होंने ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी है। भारत के दो बड़े म्यूजिक लेबल दिल्ली स्थित टी सीरीज और बैंगलुरु स्थित लहरी म्यूजिक ने एस राजमौली द्वारा निर्देशित बड़ी टिकट पैन इंडिया फिल्म आरआरआर के सभी भाषाओं में संगीत अधिकार हासिल करने की घोषणा की है। टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने मिलकर तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में इस पीरियड ड्रामा का संगीत हासिल किया है। डीवीडी एंटरटेनमेंट बैनर के तहत निर्मित फिल्म को अखिल भारतीय दर्शकों को टारगेट करते हुए 450 करोड़ रुपए के बड़े बजट पर बनाया गया है। बाहुबली के निर्देशक एस एस राजमौली की सबसे बहुप्रतीक्षित हाई एंड एक्शन फिल्म आरआरआर साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और मेगा पार स्टार रामचरण अभिनीत बहुभाषी फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। टी सीरीज के मालिक और निवेशक भूषण कुमार ने कहा, ये उन सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिस पर हम साझेदारी कर रहे हैं। एक दर्शक के रूप में मैंने हमेशा एस एस राजमौली के काम की प्रशंसा की है और एमएम किरावनी के संगीत का सम्मान भी किया है। मैं आरआरआर के साथ जुड़कर रोमांचित हूँ क्योंकि ये इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। म्यूजिक एक्सीलेंट है और मुझे यकीन है कि दर्शक भी इसे पसंद करेंगे। लहरी के फाउंडर मनोहर नायडू ने कहा, मैंने पिछले 3 दशकों से एमएम किरावनी के सभी संगीत की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की है और एस एस राजमौली के काम की भी प्रशंसा की है। ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। एक संगीत प्रेमी के रूप में इस फिल्म का संगीत अद्भुत है। मुझे यकीन है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे। कोरुडी मराग सुमनी किरावनी, जिसे एमएम किरावनी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म संगीतकार, प्लेबैक सिंगर और लिरिसिस्ट है जो मुख्य रूप से तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित अन्य भाषाओं के साथ तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इस रात की सुबह में सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ, रो और सहरो जैसी कई हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। मलयालम में भी उन्होंने नीलगिरी, सूर्य, मानसम और देवरागम जैसी फिल्मों के लिए स्कोर किया है। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 220 से अधिक फिल्मों के लिए रचना की है। एमएम किरावनी ने बाहुबली 1 और 2 फिल्मों के लिए भी संगीत और बैकग्राउंड तैयार किया है। वही फिल्म आरआरआर की अभिनेत्री आलिया फिलहाल हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग सेट पर बिजी हैं। अलग अलग किरदारों में अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली यह युवा अभिनेत्री सेट से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर अपने प्रशंसकों की उम्मीदों को बढ़ा रही है। एक्ट्रेस की एक झलक पाने के बाद फिल्म के लिए फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ रही है। आपको बता दें, आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी और आरआरआर के निर्माता वितर्क जयंतीलाल गड़ा के छोटे से मुंबई कार्यालय में कुछ भी ठीक नहीं है। गड़ा 2-3 दिन पहले अपने कार्यालय में गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गड़ा को दिल की सर्जरी करानी पड़ी और उनके दिल में पेसमेकर को डाल दिया गया। संपर्क करने पर उनके बेटे धवल ने कहा, अब वह ठीक है, पिताजी गिरे नहीं थे, लेकिन वह एक अस्पताल में थे और साथ ही साथ डॉक्टरों ने उनके दिल में पेसमेकर लगाया। सूत्र ने आगे बताया कि जयंतीलाल गड़ा की कंपनी काफी हद तक वन मैन शो है। वह इस बार समय बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस कर रही है। करीब कुछ साल पहले जयंतीलाल को काफी नुकसान हुआ था और उन्होंने विश्राम लिया था, लेकिन वह जल्द गंगूबाई आरआरआर और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म आरआरआर के निर्माताओं ने हाल ही में रोल ऑफ आरआरआर शीर्षक से एक मेकिंग वीडियो जारी किया था। मेकिंग वीडियो आरआरआर की दुनिया की एक झलक देता है। वीडियो को प्रशंसकों के साथ साझा करते हुए जूनियर एनटीआर ने लिखा, हम उधम मचाते हैं, हम मजे करते हैं। आरआरआर की टीम के साथ काम करना बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा है। एक एक ऐसी यात्रा है जिसे हमेशा संजो कर रखूंगा। #RRR मूवी के निर्माण की एक झलक साझा करते हुए खुशी हो रही है। अभिनेता रामचरण ने भी व्यक्त किया कि वह वीडियो साझा करने के लिए कितने उत्साहित है और कहा कि यह अनुभव कई लोगों द्वारा की गई कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने लिखा कि एक ऐसा अनुभव जो बहुतों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। आरआरआर मूवी की एक झलक साझा करने के लिए उत्साहित हूँ, जो सैकड़ों कलाकारों और क्रू के सदस्यों के प्यार का परिणाम है। भव्य सेट के लघु मॉडल, प्रोटोटाइप, पेंटिंग के लेकर वेशभूषा और ग्राफिक्स तक मेकिंग वीडियो आरआरआर के आर्ट डायरेक्शन को विस्तार से बताता है। रोल ऑफ आरआरआर वीडियो में यह भी दर्शाया गया है कि कैसे ये विशाल सेट बनाए गए थे। स्टंट कोरियोग्राफी पर विशेष ध्यान देने के साथ वीडियो सेट से एक्शन दृश्य को पेश करता है। मुख्य अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर के एक्शन दृश्यों की विशेषता के अलावा हम आलिया, अजय देवगन, श्रिया सरन के साथ साथ अन्य लोगों के क्लोजअप शूट्स भी देख सकते हैं जो फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मास्टर कहानीकार राजमौली और उनकी टीम असंभव को संभव बनाती है। भारत की सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा को 13 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, निर्माताओं ने वीडियो में कहा है। अगर आपने भी इस वीडियो को देखा है तो अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।